हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सिली मिस्टेक्स को आप कम कर सकते हैं और कैसे आप अपनी जो स्पीड है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्वेश्चंस करने की, उसको आप बढ़ा सकते हैं। बच्चों, दोनों जो फंडे हैं, दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलेटेड है, इंटरलॉक्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाती हैं तो आपके मार्क्स बढ़ गए ना, करेक्ट? और मार्क्स बढ़ना या स्पीड अच्छी होना, आई थिंक दोनों के मायने जो हैं अगर बात करें तो सेम ही तो हुए नहीं। ऑल इन ऑल हमें करना क्या, हमारा उद्देश्य क्या है? मार्क्स बढ़ने चाहिए अपने बेसिकली, तो बढ़ रहे ना अगर आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो तो। बच्चों, इसके लिए मैं एक बहुत है ना, मैं थोड़ा उल्टा सजेशन देता हूँ। मैं इसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा, आप भी सोचेंगे कि सर ने क्या 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 अजीब बात कर रहे हैं, पर यस, दिस इज ट्रू। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया भी मेरे को कि सर इससे हमें ज्यादा फायदा हुआ, हम कुछ और ही सोच रहे थे पर करना कुछ और ही था। प्रॉब्लम को टैकल करने का जो हमारे दिमाग में यूजुअली तरीका होता है वो नहीं था, जो आपने बोला वो सही था। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का सिंपल तरीका ये, जैसे मान लो आज आपको होमवर्क में 10-12 क्वेश्चन मिले तो करना क्या चाहिए, पहले तो अपनी क्लास के जो नोट्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, उनको अच्छे से डिराइव कर लो, समझ लो, क्लास इलस्ट्रेशन को एक बार करके देख लो। अब जब आप होमवर्क पे जाओ ना, तो प्लीज 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 डू टेक केयर कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत स्लोली करते हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। बताओ मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? आपने देखा होगा अक्सर यार होमवर्क फटाफट फिनिश करें और फिर नहीं चले। अरे बैठो यार, कहीं कोई यू नो रेलगाड़ी नहीं छूटी जा रही है, तुम आराम से पहले क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा टाइम दो। उसका रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हवा हवाई में बात करते हैं, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन पर आओ, थोड़ा सा टाइम दो। अब आप धीरे धीरे, आपका टाइम कम हो सकता है अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सेम है तो, पर आप समझो इस बात को कि ज्यादा टाइम देने से क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन के ओतप्रोत होने वाली जो चीजें हैं उससे जो कनेक्टेड जो चीजें हो सकती हैं, या पॉसिबली अगर डेटा कोई चेंज हुआ तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग और कैसे हो सकती है, वो आप सोचते हुए चलते हो। तो पहले 3-4 क्वेश्चन में अगर आपने ऐसा कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग खुल जाता है कि यार इसमें और किस किस टाइप की प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। बेसिकली मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, ये हिंट दे रहा हूँ कि आप एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाओ कि वो इस प्रॉब्लम को अगर डिफिकल्ट बनाना चाहे तो किस तरह से इसको आपके सामने पेश करता, आपके लिए कैसे खड्डे खोदता। तो इस तरह से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपकी मिस्टेक्स होने कहाँ वाली है, ठीक है? बच्चों, तो मैं दोबारा समराइज करता हूँ। जब आप अपना होमवर्क कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस को आपको बहुत स्लोली आपको अटेम्प्ट करना है, थोड़ा रुक करके करना है, ठीक है? कैलकुलेशंस को अच्छे समझ करके, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर आना चाहिए। कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं कि पीछे आंसर देख लेता हूँ। टाइम लगाओ आराम से, काफी टाइम लगाओ, आगे स्पीड आपकी अपने आप बढ़ेगी, आगे सिली मिस्टेक्स आपकी अपने आप कम हो जाएंगी क्योंकि आप खुद एग्जामिनर के दिमाग में घुस चुके हो, आपको पता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होने वाली है, ठीक है? बच्चों, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।